श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे स्वामी विवेकानंद सह कथोपकथन स्थान बेलुड़ मठ 1901 ख्रीष्टाब्द स्वामी विवेकानंद आजिकाली मठरे अवस्थान करुछंती तांक शरीर सेते सुस्थ नुहे तेबे सकाळ संध्यारे बुलिबाकु बाहरंती शिष्य आज शनिवार मठ को आसी स्वामीजी पाद पद्म प्रणत हो शारीरिक कुशल बार्ता पचारुछि स्वामीजी कहते ए शरीर तो यही अवस्था तुम्हें तो कई हेले मो कार्य सहायता करने को अग्रसर होना मुका कौन करी कह बंगला देशर मटी एथर यही शरीरटा हो शरीर द्वारा कौन आसी कामदाम हो पाए तुम्हें सब एठाकू आसुच शुद्ध आधार तुम्हें माने जदि मोर एसबू कार्य सहाय न हुआ तेबे मु एका कौन करी कह शिष्य कहते आज्ञा यही सब ब्रह्मचारी त्यागी पुरुष माने आपण पछरे ठिया हो रही मोर मन हुए आपण कार्य प्रत्येक जीवन दे पारती तथापि आप कथा कहते कहीं स्वामीजी कहते कौन जानू मु चाहे दले बंगाली युवक यही माने ही देशर आशा भरोसार स्थल चरित्रवान बुद्धिमान परार्थे सर्वत्यागी एवं आज्ञानुवर्ती युवक मानक मोर भविष्य भरोसा मोर आईडिया सबू जो मैंने जीवन में परिणत कर निजर और देशर कल्याण साधन करने निमित्त जीवनपात करें नतुबा दड़े दड़े केते पिला आसुछंती और आसीबे तांकर मुहर भाव तमपूर्ण हृदय उद्यम शून्य शरीर अपटु मन साहस शून्य एमानक द्वारा कौन काम हुए नचिकेतांक परी श्रद्धावान 10-12 पिला पाइले मु देशर चिंता और चेष्टा नूतन पथरे चालना करदेई पारे शिष्य कहुछंती आज्ञा एते युवक आपणक निकटक आसुछंती एमानक मध्यरे एपरी स्वभाव विशिष्ट काहाकु कौन देखिबा को पाऊ नाहंती स्वामीजी कहुछंती जेउ मानक भल आधार बोली मने हुए से मानक मध्यरु केहिबा विवाह होई पड़िछि केहिबा संसारर मान जश धन उपार्जनर चेष्टारे बिकी होई जाइछि कहार बा शरीर अपटु तापरे बाकी अधिकांश भी उच्च भाव नेबाकु अक्षम तुम्हें माने मोर भाव नेबाकु सक्षम सत किंतु तुम्हें भी कार्यक्षेत्र रे से सबू को ए पर्यंत विकास करि पारु ना हो एही सब कारण रु मनरे बेले बेले विशेष क्षोभ हुए मन हुए दैव विडंबना जगु शरीर धारण करी कौनसी कार्य करी जाई पारिली नहीं अवश्य ए पर्यंत एका बेले के हताश होई नहीं कारण ठाकुरंक इच्छा हेले एही सब पिलांग भितरु ही समय रे महा महा धर्मवीर कर्मवीर बाहरी पारंती जो माने भविष्य रे मोर भाव नहीं कार्य करिवे शिष्य कहते मोर मन हुए आपण को उदार भाव सबू समस्त को दिने ना दिने नेबा को हेबो एहा ही मोर दृढ़ धारणा कारण स्पष्ट देखिबा को पाउची सबु दिगरे सबु विषय को आश्रय करी आपण को चिंता प्रवाह छुटिछि कि जीवसेवा कि देश कल्याण व्रत कि ब्रह्म विद्या चर्चा कि ब्रह्मचर्य सर्वत्र ही आपण भाव प्रवेश करी सेमानंग भितरे गोटाए अभिनवत्व आनी आउ देशर लोक माने केहिबा आपणक नाम प्रकाश्यर कही पुणी केहिबा आपणक नामटी गोपन करी निज नामरे आपणक सेई भाव ओ मतकु ही सकल विषय रे ग्रहण ओ साधारण रे उपदेश प्रदान करुछंती स्वामीजी कहुछंती मोर नाम नकले सेथिरे कौन जाय आसे मोर भाव नेले हला काम कांजन त्यागी होई सुद्धा शतकड़ा अनेशत जन साधु नाम जशर आबद्ध हो पड़ती जशर आकांक्षा ही महत व्यक्तिर शेष दुर्बलता पढ़ीछुना एका बेलके फल कामना शून्य हो काम करा को भल मंद लोके दुईटा तो कहिबे किंतु उच्च आदर्श सामने रखी आमको सिंह परी काम करंदु नीति निपुणा यदि बा स्तुवंतु अर्थात पंडित माने निंदा वा स्तुति जहा करंतु
शिष्य कहते आम मान पक्ष वर्तमान किपर आदर्श ग्रहण करवा उचित। स्वामीजी कहते महावीर चरित्र को ही तुम वर्तमान आदर्श करने को हेबो देखुना राम आज्ञा सगर डें चलीगला जीवन मरण को भ्रुक्षेप ना महाजितेन्द्रिय महाबुद्धिमान दास्य भावर एक महा आदर्श तुम जीवन गठन करने को हेबो सेपरी हेले ही अन्यान्य भावर स्फुरण कालक्रमे आपे आपे द्विधाशून्य हो गुरु आज्ञा पालन आउ ब्रह्मचर्य रक्षा यह ही होची सिक्रेट ऑफ सक्सेस। नान्य पंथ विद्यते अयनाय यह छड़ा आ द्वितीय पथ ना हनुमान एक दिगरे जेपरी सेवा भाव अन्य दिगरे से हीपरी त्रिलोक संत्रासी सिंह विक्रम रामंग हितार्थे जीवनपात करने को किछि मात्र द्विधा रखिले ना राम सेवा भिन्न अन्य सब विषय को उपेक्षा ब्रह्मत्व शिवत्व लाभ पाई सुधा उपेक्षा केवल रघुनाथ आदेश पालन ही जीवन एकमात्र व्रत से हीपरी एकाग्रनिष्ठ होगा आवश्यक खल करताड़ बजाई लंफ झंप कर देशटा उच्छन्न होगला एके तो यही अजीर्ण रोगीर दल से ये डिया डे गले सहब किपरी काम गंधहीन उच्च साधनार अनुकरण करने को जा देशटा घर तमसाच्छन्न हो पड़ी देशरे देशरे गाँवें गाँवें जोठाक जीव देखू खल करताड़ बाजुच ढक्का ढल कौन देशरे तैयारी हुए ना तुरी भेरी कौन भारत में मिले ना से ही सब गुरुगंभीर आवाज पिला शुणा पिला दिन माइपी बाजना शुणी शुणी कीर्तन शुणी शुणी देशटा जे स्त्रीलोक देश होगला या बड़ी आउ कौन अधपतन को जीव कवि कल्पना भी ए छवि आंकड़ा जा हार माने डम्बरु सिंगा बजाइवाक ढक्कारे ब्रह्म रुद्र तालर दुंदुभि नाद उठाइवाक महावीर महावीर ध्वनि एवं हर हर बम बम शब्द रे चतुर्दिग कंपित करने को हेबो जो सब गीतवाद्य मनुष्यर हृदय कमल भाव समूह उद्दीपित हुए से सब किछि दिन पई वर्तमान बंद रखिबाक हेबो खेयाल टप्पा बंद करी ध्रुपद संगीत शुणाक लोक अभ्यास कराइवाक हेबो वैदिक छंदर मेघमंद्र रे देशटार प्राण संचार करने को हेबो सकल विषय वीरत्वर कठोर महाप्राणता आणवाक हेबो एही रूपे आदर्शर अनुसरण कले तेबे जाई वर्तमान जीवर कल्याण देशर कल्याण तु जदि एका से भाव चरित्र गठन करिपारु ताहले तोर देखादेखी हजारे लोक से हीपरी करने को शिखबे किंतु देखिबु आदर्श को कदापि जेपरी पादे हेले हटिबु नाही केबे हेले साहसहीन हेबु नाही खाइबा सोइबा पिंधिबा बेले गाइबा बजाइबा बेले भगरे रगरे केवल सत्साहसर परिचय देबु तेबे जाई महाशक्ति कृपा हेबो। शिष्य कहते आज्ञा समय समय मु किपरी साहसहीन हो पड़े स्वामीजी कहते सेतेबेले एपरी भाविबु मु कहार संतान तांको पाखकु जाई मोर एपरी हीन बुद्धि हीन साहस हीन बुद्धि हीन साहसर मुंडरे गईठा मारी मु वीर्यवान मु मेधावान मु ब्रह्मविद मु प्रज्ञावान कहु कहु ठिया होई पड़िबु मु अमुक्र चेला कामकांचनजित ठाकुरंग संगीर संगी एही परी अभिमान खूब रखिबु एथिरे कल्याण हेबो से अभिमान जहार नाही ता भीतर ब्रह्म जागंती नाही रामप्रसाद गीत शुणिना से कहते ए संसार डरिकारे राजा जार माँ माहेश्वरी एहीपरि अभिमान सर्वदा मनरे उज्जीवित रखा हेबो ताहले आउ हीनबुद्धि हीन साहस पाखकु आसिबो नाही केबे हेले मनरे दुर्बलता आसिबाकु देबु नाही महावीर को स्मरण करिबु महामाया स्मरण करिबु देखिबु सबु दुर्बलता सबु कापुरुषता संगे संगे चलीजीव एहीपरि कहु कहु स्वामीजी तलकु आसिले मठर विस्तृत प्रांगण रे जो आंब गछ अछि ताहा तले खंडे क्यांप खटरे से अनेक समय बसुथिले आज भी सेठाकु आसी पश्चिमास्य होई उपवेशन कले तांक नयनरु महावीरंग भाव जेपरि से पर्यंत फुटी बाहरुछि उपविष्ट होई से शिष्यकु उपस्थित सन्यासी और ब्रह्मचारी मानंकु देखाई कहिबाकु लागिले एही जे प्रत्यक्ष ब्रह्म यहाँ उपेक्षा करी जो मैंने अन्य विषय मन दिंती धिक् से मानू
करा मलकवत एही जे ब्रह्म देखि पारु नाहुं एही एही एपरि हृदयस्पर्शी भावरे स्वामीजी कथा उडियो कहिले जे शुणा मात्रे उपस्थित समस्ते चित्रार्पितारंभ इबावतस्थे सहसा गंभीर ध्यान मग्न कहारी मुहरे कथा नहीं। स्वामी प्रेमानंद सेतेबेले गंगारु कमंडलुरे जल नहीं ठाकुर घर को उठुले देखि स्वामीजी यही प्रत्यक्ष ब्रह्म यही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहवा को लगे से कथा शुणी तांकर सेतेबेले हाथ में कमंडलु हाथर बद्ध हो रहा गोटाए महानिशार आवेश आच्छन्न हो से भी तत्क्षणात ध्यानस्थ हो पड़े। यहीपर प्राय 15 मिनिट गत हेबारु स्वामीजी स्वामी प्रेमानंद को आह्वान करी कहिले जा एबे ठाकुर पूजा को जा। स्वामी प्रेमानंदर सेतेबेले चेतना हला क्रमे समस्त मन पुणी मु मोर राज्य को खसी आसिला एवं समस्ते जीए जहार कार्य गमन कले। से दिन से दृश्य शिष्य इह जीवन केवेहले भूली पारिबो नाही। किछि समय परे शिष्य समभिव्याहारे स्वामीजी बुलवा को लगिले जाऊ जाऊ शिष्य को कहिले देखिलु आज किपरि हला समस्त को ध्यानस्थ होगा पड़ा एमाने सब ठाकुर संतान कि ना कहिबा मात्र के मानंगर संगे संगे अनुभूति होइगला। शिष्य कहते आज्ञा आम भली लोकों मनरे जेतेबेले निर्विषय हो जाइथिला सेतेबेले सेमानंगर कीबा कथा आनंद मोर हृदय जेपरी फाटी जाउथिला वर्तमान किंतु से सब भावर आउ किछि माने नाही जेपरी स्वप्नवत हो जाइछि। स्वामीजी कहते सबु समयक्रमे होइजिव एबे काम कर एही महामोहग्रस्त जीव समूहर कल्याण निमित्त कौनसी कामरे लागि जा देखिबु से सबू आपे आपे होइजिव। शिष्य कहते आज्ञा एते कर्म मध्यरे जीवा को भय हुए से सामर्थ्य भी नाही शास्त्र मध्य कहे गहना कर्मण गति। स्वामीजी पचारुछन्ति तते कौन भलो लागे शिष्य कहते आपणंग परी सर्वशास्त्रार्थ दर्शिंग सहित वास और तत्व विचार करी एवं श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा यही शरीर में ब्रह्मतत्व प्रत्यक्ष करी यह छड़ा कौन सी विषय ही मोर उत्साह आसुना बोध हुए जेपरी अन्य किसी करार सामर्थ्य भी मोर ना। स्वामीजी कहते भल लगे तो ताही करी जा आउ तोर सब शास्त्र सिद्धांत लोक मान जनाई दे ताहले अनेकों को उपकार हेबो। शरीर जेते दिन अछि सेते दिन काम न करी केही तो रही पारिबे नाही सुतरां जेउ कार्य रे परर उपकार हुए ताहा ही करिबा उचित। तोर निजर अनुभूति एवं शास्त्रीय सिद्धांत वाक्य द्वारा अनेक विविधिशुंक उपकार होई पारे से सब लिपिबद्ध करि जा एथिरे अनेकंकर उपकार होई पारे। शिष्य कहते आगे मोर निजर अनुभूति हो सेतेबेले लेखिबी ठाकुरे कहुथिले जे आदेशनामा न पाइले केही कहारी कथा ग्राह्य करे नाही। स्वामीजी कहते तू जो सब साधना और विचार अवस्था दे अग्रसर हो जगत रे एपरी लोके अनेक थाईपारंती जो मैंने से ही अवस्था पड़ी से अवस्था अतिक्रम कर अग्रसर हो पारना तोर अनुभूति और विचार प्रणाली लिपिबद्ध हेले से मानंकर अवश्य उपकार हेबो। मठ रे साधु मानंग संगरे जेउ सब चर्चा करू से विषय गुडी को सहज भाषा रे लिपिबद्ध करी रखिले अनेकंकर उपकार होई पारे। शिष्य कहते आपण जेतेबेले आज्ञा करुछंती सेतेबेले से विषय रे मु चेष्टा करिवि। स्वामीजी कहते जेउ साधन भजन बा अनुभूति द्वारा परर उपकार हुए नाही महामोहग्रस्त जीवकुळर कल्याण साधित हुए नाही कामकांचनर गंडी भितर मनुष्य को बाहर बाहर सहायता करे नाही एपरी साधन भजन रे फल कौन तू कौन भावुछु गोटे मात्र जीवर बंधन थिबा जाय तोर मुक्ति अछि जेते काल तार उद्धार न होइछि सेते काल तते भी जन्म नेबाकु हेबो ताकु साहाय्य करिबाकु ताकु ब्रह्म अनुभूति कराइबाकु प्रति जीव जे तोरी अंग एथिपाई परार्थ कर्म तोर स्त्री पुत्र को आपणार जानी तू जेपरी सेमानंकर सर्वांगीन मंगल कामना करू प्रत्येक जीव प्रति
ଯେତେବେଳେ ତୋର ସେହିପରି ମମତା ହେବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବି ତୋ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଗରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପୂର୍ବରୁ ବି ନୁହେଁ, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଜାଗରିତ ହେଲେ ଯାଇ ବୁଝିବି ତୁ ଆଦର୍ଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଆଜ୍ଞା ଭୟଙ୍କର କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ତ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣିନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ବେଦାନ୍ତବାଦୀଙ୍କର ଏହିପରି ମତ ଅଛି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ସମଷ୍ଟିଗତ ମୁକ୍ତି ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମତର ଦଶଗୁଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତ ମତରେ ବ୍ୟଷ୍ଟିଭାବ ତ ବନ୍ଧନର କାରଣ, ସେହି ଉପାଧିଗତ ଚିତ୍ ସତ୍ତା ହିଁ କାମ୍ୟ କର୍ମାଦି ବଶରୁ ବଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଚାର ବଳରେ ଉପାଧି ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ, ନିର୍ବିଷୟ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ କି ରହିବ କିପରି? ଯାହାର ଜୀବ ଜଗତାଦି ବୋଧ ଥାଏ ତାହାର ମନେ ହୋଇପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନହେଲେ ତାହାର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଆଦି ବଳରେ ମନ ନିରୁପାଧିକ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବ ବା କେଉଁଠି, ଆଉ ଜଗତ ବା କେଉଁଠି? କିଛି ହିଁ ନଥାଏ, କିଛି ହିଁ ତା'ର ମୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ଅବରୋଧକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ବେଦାନ୍ତବାଦୀଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟ, ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ଅବରୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ମନେ କରେ ମୁଁ ଆବ୍ରହ୍ମ ଜଗତଟାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏକସଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ହେବି, ତା'ର ମହାପ୍ରାଣ ତ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ ଦେଖି। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାହା ଉଦାର ଭାବର ପରିଚାୟକ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶିଷ୍ୟର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କୌଣସି ବିଷୟ ଇତିପୂର୍ବେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଲି ବୋଧ ହେଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ କହି ଉଠିଲେ, ଆରେ ଆମର କେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲା? ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ସେହି ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବାରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଦିନ ରାତି ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଏକାନ୍ତ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଆଉ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ କାଳରେ କୌଣସି ଲୋକହିତକର ବିଷୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ, ନଚେତ୍ ମନେ ମନେ ଭାବିବୁ ଜୀବର ଜଗତର ଉପକାର ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମ ଅବଗାହୀ ହେଉ, ଏହିପରି ଧାରାବାହିକ ଚିନ୍ତା ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତର ଉପକାର ହେବ, ଜଗତର କୌଣସି ସତ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିରର୍ଥକ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାରେ ହେଉ, ତୋର ଚିନ୍ତା ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ହୁଏତ ଆମେରିକାର କୌଣସି ଲୋକର ଚୈତନ୍ୟ ହେବ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନ ଯେପରି ଯଥାର୍ଥରେ ନିର୍ବିଷୟ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯେପରି ତାହା ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ହେବ, ଐକାନ୍ତିକତା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନକୁ ଐକାନ୍ତିକ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋତେ ଏହିପରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ହେଉ ଶିଷ୍ୟ ସହ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଠରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଦଶମୀର ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣରେ ମଠର ଉଦ୍ୟାନ ଯେପରିକି ରଜତ ଧାରାରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଉଥିଲା। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପା ଧୃତ ବିଗ୍ରହମ୍ ବୈ ଈଶାବତାରମ୍ ପରମେଶ ମିଡ଼୍ୟମ୍ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣମ୍ ଶିରସା ନମାମି।